जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज जो आप लोगों का संस्कृत का पेपर हुआ है, उस पेपर का मैं आप लोगों को सल्यूशन कराने वाला हूं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा न देर करते हुए शुरू करते हैं। आज आप लोगों का जो पहला जो पेपर क्वेश्चन था, संस्कृत भाषा में स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर को कितने भेद होते हैं। तो आप लोगों के तीन भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक ह्रस्व होता है, ठीक है, ह्रस्व दीर्घ होता है और प्लुत होता है, ठीक है। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है, ह का उच्चारण स्थान है, तो ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका वो कंठ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करा है बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो पहला बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाय, बालकाय होगा एक विचार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बालकाय हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आप लोगों का है कि महेश्वर्यम में संधि है, तो कौन सी संधि होगा? महा प्लस ऐश्वर्यम क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। आगे है दृश धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, तो क्या हो जाएगा? पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यतः पश्यत पश्यामि पश्याव पश्याम पश्याव। देखिए उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो पश्यावा हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्यावा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आप लोगों के आ जाते हैं गुण संधि का सूत्र, तो वृद्धि दीर्घ, ठीक है। इस गुण संधि का क्या होगा? अयादि गुड़ा हो जाएगा, ठीक है। पितरों में समास कौन सा है, ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं, इन सब का हम अगली वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे आराम से। क्योंकि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो क्या होते हैं, वाक्य के पहले लग करके उसमें अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो इन पांच बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।